बनारस आस्था का केंद्र तो जाना ही जाता है, साथ में इसे साहित्यकारों और कवियों का भी शहर कहा जाता है। विधानसभा चुनाव को लेकर जो बनारस शहर में गर्मा गर्मी चल रही है, आइए कवियों के जुबानी जानते हैं कि क्या विधानसभा चुनाव 2022 में किस तरह का माहौल तैयार हो रहा है बनारस में और क्या क्या काम चल रहा है। सर अपना परिचय दे दे पहले आप। जी, मेरा नाम बद्री विशाल है, मैं काशी का रहने वाला हूँ और एक छोटा सा साहित्यकार हूँ। जी, जो कवि होता है वो अपने स्वर में बहुत अच्छे से चुनावी माहौल हो या कोई माहौल हो अच्छे से जनता तक पहुंचाता है। तो आज हम प्रभा साक्षी के चैनल के थ्रू हम चाहते हैं कि आप हमारे जनता को बताएं कि बनारस में जो है चुनावी माहौल किस तरह से तैयार हो रहा है। देखिए, सर्वप्रथम यह समझिए, बनारस में चुनाव का माहौल नहीं तैयार हो रहा है, पूरे देश में तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव पहले होने जा रहा है, उसके बाद तब केंद्र का चुनाव आएगा और पूरे देश में हिंदुओं का ध्रुवीकरण सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी कर रही है और यह या तो खराब है या तो अच्छा है, मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन जी उसी के तहत इस काशी में, जिसे देवाधिदेव महादेव ने बसाया है, इस काशी में 500,000 वर्षों से देख रहा हूँ मैं वो जर्जर ऐसे काशी विश्वनाथ, जो दूर से दिखते भी नहीं थे कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, वह लोगों की आंखों में, हृदय में हमेशा गढ़ता रहा है कि देवाधिदेव महादेव की नगरी में उन्हीं का मंदिर दिखता नहीं है कहीं। तो उसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अपना आदर्श बनाया और उससे इतना अच्छा बनाया कि अब लोग देखते हैं तो कहता कि इतना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि मैं काशी। आपके अंदर मित्रों मोदी बैठा है और यदि आपकी कोई सुनता नहीं तो आपके अंदर एक केजरी बैठा है। यही हमारे देश का माहौल चल रहा है, इसमें सब जान लीजिए मोदी जी को कोई अभी 10 वर्ष तक नहीं हरा सकता है। कितनहू बड़ी शक्तियां लग जाए, विदेशी शक्तियां भी विपक्षियों के साथ लग जाए, मैं भाजपा ही नहीं हूँ, मैं 4 आने का मेंबर किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो भीतर बहुत संभावनावती, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक प्रधानमंत्री किसी घोटाले में नहीं है और एक हमारा मुख्यमंत्री किसी घोटाले में अपनी चोंगा को पहन के आता है और पुलिस चलाता है। आज निश्चित रूप से हम इतना डर लोगों के अंदर से खत्म हो चुका है कि हम कभी बहुत सारी चीज़ों जो देखते थे जिससे लड़ाई नहीं लड़ पाते थे वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो गया है। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही शांतिप्रिय माहौल इन लोगों के कारण बना है। हम मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि ऐसे ही शांतिप्रिय माहौल यदि विपक्ष ही बनाता है वो भी रहे, मैं इसकी कामना करता हूँ। 1947 से पहले तक सभी लोग यहाँ थे, जब हमें आज़ादी मिल गई तो हम यह नहीं कह सकते कि 1947 के लोग खत्म हो गए, उनको बोलना नहीं, उनका नाम नहीं लेना है। अगर उन्होंने उनका नाम ले भी लिया है तो राजनीतिक कारण से ही लिया है, लेकिन नाम लेना बुरी बात नहीं, क्योंकि वो हमारे देश में थे, वो हमारे देश के लिए किए, वो भी आज़ादी की लड़ाई में अपना भाग लिए, उसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जिन्ना और गांधी जी को एक तराजू में तलना, उसकी बात है। गांधी जी जिन्ना खुद एक तरह एकदम सगे भाई भाई की तरह से, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम आज़ादी के पहले गांधी और जिन्ना को बहुत अलग नहीं कर सकते थे, एक साथ थे। जिन्ना की बहुत सारी बातों को मांग करके न जाने कितने लाख डॉलर उन्होंने कर के रूप में पाकिस्तान बसाने के लिए दिया भी था, तो गांधी जिन्ना कहाँ अलग थे, इसको कोई नहीं निकाल सकता कि गांधी जी और जिन्ना को कोई अलग अलग करके दिखा जाए। गांधी जी
एक बड़ी कड़वी सच्चाई बताया कि कहो गर्व से हिंदू हैं हम, कहो गर्व से हिंदू हैं हम, कहने को कुछ शेष नहीं है। ईसा मूसा बौद्ध के हैं पर हिंदू कोई देश नहीं है। हम बहुत गर्व करते हैं अपनी संस्कृति पर कि पूरे विश्व में मेरा कोई देश नहीं है, लेकिन विचार इतना बड़ा है कि आज पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। यही हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो आने वाले चुनाव में बहुत सारी चीज़ें जो हजारों वर्षों से दबी थी वह धीरे धीरे अब उभर के धीरे धीरे सामने आ रहा है लोगों के पास। तो उन्हें आज़ादी थोड़ी मिल रही है, उन्हें सोचने का मौका मिल रहा है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, अपनी भाषा सीखने का मौका मिल रहा है। हम आज तक लॉर्ड मैकाले के भाषा में फंसे थे, उससे भी हम धीरे धीरे मुक्ति पा रहे हैं क्योंकि सभी लैंग्वेज में अब शिक्षा शुरू होने जा रही है। किसी ने सोचा तो, वरना आज तक हमारे मल्लाह के बच्चे, हमारे रिक्शे वाले के बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन संस्कृत हिंदी नहीं बोल पाते हैं, हमारे लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? इसलिए कि हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा में फंसे थे, आज उससे भी मुक्ति। तो बहुत सारी दास्तान से हम धीरे धीरे मुक्ति को पा रहे हैं। हम ये नहीं करें कि यही पार्टी करे, विपक्ष के लोग भी करना चाहिए, लेकिन विपक्ष के लोगों ने जो अभी तक नहीं किया था वह इन्होंने किया। इसलिए भारत के एक हिंदू वर्ग तो वास्तव में इनसे संतुष्ट है, वो इनसे कभी अलग ज़्यादा अलग नहीं हो सकता है। थोड़े बहुत की बात अलग है, कोई हमारे भारतवर्ष में कोई भी मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा सीट पा जाता है, बड़ी पार्टी को ज़रा हरा वरा देता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा अभिमान आ भी जाता है। हमने बंगाल में जाकर के लोगों के जितने भी दशक हुए हैं वो सब देख चुके हैं। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि दीदी को कभी भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो सेकुलर नहीं है। वो अपनी बहुत वो भी कांग्रेस से ही चली है। आज जिस कांग्रेस से जन्म लिया है उन्होंने, उसी कांग्रेस को आप ठेंगा दिखा रही हैं, उसी कांग्रेस को ऐसे ऐसे शब्द बोल रही हैं जो वास्तव में अपने आका को नहीं कहना चाहिए। उन्होंने यूपीए बना करके दिखाया था आप उसको कि आप खाली विदेश घूमिए, ये करिए वो करिए, इन सब शब्दों से राजनीतिक परिवेश आप अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी को हटा करके मैं प्रधानमंत्री बनने, विपक्ष का एक नेता बनूँ, मैं प्रधानमंत्री जाऊँ। अच्छी बात है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि विपक्ष इतना मजबूत हो कि इससे अच्छा भी देश चलावे, देश कोई भी चलावे, अच्छा चलावे, हम उनके सुखे गुजार रहेंगे। हम जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। एक बार मैं आ रहा था और मैं हमारे बनारस में बहुत सारे मैंने लोग खुले थे, बहुत सारे लोग गिर जाते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं खुद ही गिर गया। बहुत सारे लोगों ने उठाया मुझे तो मैं आधा उड़ गया था। बोले अरे आप कौन है? तो मैंने कहा मैं कवि हूँ। अरे आप कवि हैं? तो एक आदमी उनका मित्र हंसने लगा, क्या जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, फिर छोड़ दिया और ढक्कन बंद कर दिया क्योंकि वहाँ रवि नहीं पहुँच सकता है। तो उसने हमको छोड़ दिया, हमने हंसी मजाक किया उसने, बाद में वास्तव में धीरे से हमको निकाला उसने। तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि हर जगह पहुँच जाता है। देखिए इस काशी को देवाधिदेव ने बसाया है, उस समय नाम इसका आनंद का आनंद था। उसके बाद कांस नाम के राजा आए थे, इसका नाम काशी हुआ। उसके बाद अंग्रेज आए थे, इसका नाम बनारस हो गया। अंग्रेज भी चले गए तो हम लोगों ने इतना सिकोड़ के इसका नाम रख दिया वाराणसी, वो करूँगा है और ये अस्थि है जहाँ आप खड़े हैं वो इतने ही दूर तक काशी है, इतने ही दूर तक हमारा बनारस है। तो हम लोगों ने अपनी विद्वत्ता अपनी दिखाई और भी सिकोड़ करके वाराणसी बना दिया। इस वाराणसी में हमारे प्रधानमंत्री महोदय जहाँ आप खड़ी है यही 10 कदम की दूरी पर प्रधानमंत्री महोदय ने पौड़ा पौड़ा चढ़ा करके पूरे देश को स्वच्छता अभियान के संदेश दिया। जहाँ पर आप खड़ी है वो स्वच्छता अभियान वास्तव में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया जिसका स्वच्छता संदेश वास्तव में 7-8 वर्षों में दिखाई दिया। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता संदेश दिया हो लेकिन हमको दिखाई दे दिया था, लेकिन आज दिखता है, लोगों के अंदर जागरूकता है। तो एक प्रधानमंत्री ने अगर यहाँ फावड़ा चला के संदेश दिया तो उसका असर है, तो हम भी उसका नमन करते हैं कभी। देखिए बुआ का वास्तव में अगर देखें सभी मुख्यमंत्री में सबसे अच्छा कोई शासन दिया था तो बुआ ने दिया था। शासन की बात करिए आप, उनकी व्यक्तिगत क्या लाभ हुआ उनको, व्यक्तिगत उन्होंने क्या बनाया, मैं इधर चर्चा नहीं करता हूँ। लेकिन अभी तक इन्होंने शासन दिया तो बुआ के बाद इन्होंने ही शासन दिया है। बुआ ने बहुत अच्छा शासन दिया है। अधिक कम से कम जो अधिकारी हमारे ऊपर हावी रहते थे वो अधिकारी हमारे ऊपर हावी उनके काल में नहीं थे। तो किसी का शासन अच्छा होता है तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए, मैं उनकी शासन की तारीफ करता हूँ। लेकिन सभी पार्टियाँ अपने अपने तरफ से लोगों को लुभाने में लगी है, वो अकेले लड़ेंगी तो जो जिनसे भाजपा मिल गए हैं उनको छोड़ करके जो बचे हैं उनको अखिलेश जी मिलाएंगे, वो अकेले लड़ेंगे तो ऐसे करेंगे, उसके बाद सोनिया जी आएंगे वो भी अकेले लड़ेंगी। सबका अपना चुनाव के पहले माहौल होता है, लेकिन ध्रुवीकरण हमको आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है ध्रुवीकरण राजनीति का हो चुका है, हमको इसका असर दिखने भी लगा है। तो इसी चुनावी माहौल पे हमारे दर्शकों को 2 लाइन बहुत देश अंधकबन अंठल दिल्ली साफ की चुपी गले का हड्डी बनल यूपी, पूरब में धर्म का मूल तोल पश्चिम में हल्ला बोल बोल, दक्षिण में लग गया पोल फोल ठेंगे पर उत्तराखंड खंड ही देश बढ़ाओ अंडमन। हमारे काशी में लोग कहते हैं बाण लगोटा छानब बूटी ईतन राजा ऐसे छूटी, काशी में घाटों पर अखाड़े ही अखाड़े थे, लोग यहाँ पहलवान हुआ करते थे, यहाँ पे विद्वान हुआ करते थे, एक एक गली में विद्वानन का भीड़ अच्छी काशी। वो भी मैंने अपनी कविता में लिखा कि हो तो हुए कुल काम यहाँ पर बिना ताल सुन ले बोल दे राजा रामचंद्र की जय। तो काशी में हमारे अखाड़े बहुत थे, तो
उस पर हमने एक चार पंक्तियां लिखी थी कि होत हुए कुल काम यहाँ पर बिना तार सुन ले बोल दे राजा रामचंद्र की जय। छोटका चच्चा रेहन कह के बिजलन घर का सोना, बड़का चच्चा सोना बिजलन यही यही कह हुए रोना, अब बाबू के तो ऐसे सब कुछ एक दिन हुए खोना, 20-20 हजार का कर्जा हो एक एक आदमी के ढोना, रुपयों का औकात गिर गल रहल यही को भय, बोल दे राजा रामचंद्र की जय। तो यहाँ देवी का नंगा नंगा चित्र बनावत कोई हो, आज नहीं हिम्मत है किसी को बना सकता है, ध्यान दीजिएगा, पूरे देश में किसी की हिम्मत नहीं है किसी देवी का नंगा चित्र बना दे आप, लेकिन उस समय कितनी आज़ादी थी कि हमारे सरस्वती देवी का चित्र, यहाँ देवी का नंगा नंगा चित्र बनावत कोई हो। मैंने बताया ना बहुत सालों की आज़ादी आपके भीतर मिली है, आप उसको भले ही महसूस न करें लेकिन इस बात को आप गवाही देंगे कि हम बहुत सी चीज़ों से आज़ाद हुए हैं। तो छुटका किस बेब से छुटका चच्चा रेहन कह के बिचरन घर के सोना, बको चच्चा सोना बिचरन यही कहूँ रोना, बाबू के तो ऐसे हुए सब कुछ भी खोना, रुपयों का औकात गिर रहा यही के भय, बोल दे राजा रामचंद्र की जय। तो ये सब राजनीति की बातें, बहुत सारी पुरानी कविताएं मैं आपको इस जोर से बताता हूँ। भारतवर्ष की राजनीति में 1914 से एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, आप उसको माने न माने, थोड़ी बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा महंगाई है, आम आदमी परेशान है, यह भी सच है, इसमें कोई देखिए हर सरकारों में महंगाई आती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, महंगाई के लिए बहुत सारे लोग टांग ऊँग तोड़वा चुके हैं, वो लोग तोड़वा चुके हैं, लेकिन यही एक ऐसा ही महंगाई है जिसमें कोई व्यक्ति टांग तोड़वाने के लिए सड़क पर नहीं निकला है, उसको उसने स्वीकार किया है। तो बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों को जो उनको मिला है तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, इसलिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है, विपक्ष खाली थोड़े बहुत आंदोलन के लिए किसी का आंदोलन सफल नहीं हो रहा है, इसलिए राजनीति का ध्रुवीकरण हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में जो है जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को दूर किया है वो निश्चित रूप से गति हुआ है। ये मैं पुरानी रचना है, हास्य व्यंग का कवि हूँ तो मैं इसको सुना रहा हूँ आपके सामने। नेता कुछ हैं परदेसी साथ क्या निभाएंगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाएंगे, जब तलक विपक्षी हैं तब तलक ही सुधरे हैं, जब तलक विपक्षी हैं तब तलक ही सुधरे हैं, दल बदल के आए हो क्यों, दोष किसका है, बन गए हैं सब मंत्री ये इम्तहान किसका है, ये उजड़ा घर भुला दो मगर ये तो बता दो, ये 100 करोड़ का है भी मकान किसका है, तो जब तलक विपक्षी हैं तब तलक ही सुधरे हैं, मिल गई अगर कुर्सी देश बेच खाएंगे, नेता कुछ हैं परदेसी साथ क्या निभाएंगे, लगता है मुलायम सिंह जात भूल जाएंगे, सुन्नी मानेंगे इन्हें पर सया न मानेंगे, ये भी उन्हें मनाने की नहीं ठानेंगे, बिरादर चतुर हैं साथ भी छोड़ेंगे, वो मुलायम के लिए खुदा से दुआ करेंगे, वो मुलायम के लिए खुदा से दुआ करेंगे, तो लगता है मुलायम सिंह जात भूल जाएंगे, दूध में बस बिरयानी सान सान खाएंगे, नेता कुछ हैं परदेसी कांसीराम हारे थे इस पे कुछ जरा सोचो, कांसीराम हारे थे इस पे कुछ जरा सोचो, सारे सहारन अकबरपुर का ख्याल करेगा कौन, ये बंद मैं भूल रहा हूँ अगला चला, जिंदगी तो लालू की बस मजे में गुजरी है, रबड़ी में सतुआ फेंट के खाते रहे हैं ये, औलाद की कतार लगाते रहे हैं ये, इनके अंदाजे बयां पर मैं क्या क्या बयान दूँ, नथुनिये पर ही गोली चलाते रहे हैं ये, तो जिंदगी तो लालू की बस मजे में गुजरी है, लालू ने बिहार को क्या क्या बना दिया, लालटेन में विद्वानों को जीना सिखा दिया, पटना की गद्दी सौंप दी बीबी के हाथ में और सारे विरोधियों को इन्होंने ठेंगा दिखा दिया, जिंदगी तो लालू की बस मजे में गुजरी है, इसके बाद अब किसको चूना ये लगाएंगे, नेता कुछ हैं क्या करोगे तुम आखिर अयोध्या में अब जाकर, चोरों पे इत्तिफाकन, ये उस समय की बात है जब ढांचा नहीं गिरा था, चोरों पे इत्तिफाकन सबकी नजर गड़ी थी, जब आए आए हर्षद
जब आगे आए हर्षद शायद वो जनवरी थी, सूटकेस कांड आया हम आए फरवरी में, फिर चंद्रा स्वामी आए नरसिंह की जिंदगी में, आई थी जैन बंधु की डायरी मार्च लेकर, हवाला सीबीआई ने खोजा टार्च लेकर, स्वामी गए जो भीतर अप्रैल चल रहा था, दुनिया बदल रही थी मौसम बदल रहा था, लेकिन मई जब आई, लेकिन मई जब आई चलने लगा जमाना, सबकी जुबां पे आया सुखरमों का फसाना, फिर कांड यूरिया में थी। कवि बद्री विशाल जो कि यूपी में चल रहे चुनावी माहौल का व्याख्यान करते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने अपने कविता के द्वारा दर्शकों को ये बताया कि रामलला के मंदिर निर्माण में कितना संघर्ष और कितनी कठिनाइयां हुई, और उन्होंने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जितनी भी गर्मा गर्मी है उस पर कई सारे कविताएं पंक्तियां सुनाई, और साथ ही साथ उन्होंने बनारस के विकास के बारे में बहुत सारी बातें की और हमें कविता सुनाई। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।